चौरस या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल बेहिसाब सवालों से घिरे हैं। सच कहूं तो शक के दायरे में है। स्वामी अग्निवेश से लेकर बाबा रामदेव तक और खुद अन्ना हजारे भी केजरीवाल की नीति नियत और निष्ठा को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। अन्ना को आकर करके जन लोकपाल आंदोलन खड़ा करने से लेकर आज तक केजरीवाल ने बंद कमरों में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उससे जुड़ा हर नया खुलासा केजरीवाल के किरदार पर शक खड़ा करता है। इंडिया न्यूज पर जब स्वामी अग्निवेश ने खुलासा किया कि केजरीवाल अन्ना के बलिदान के जरिए क्रांति पैदा करना चाहते थे, तो केजरीवाल ने स्वामी अग्निवेश से सबूत मांगा। इसके जवाब में स्वामी अग्निवेश ने इंडिया न्यूज पर ताल ठोक कर कहा कि केजरीवाल के बारे में उन्होंने जो कहा है वो 100% सच है। अब बेहतर यह है कि सच साबित करने के लिए मेरा और केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इसके लिए तैयार हैं? आज बहस इसी बात पर होगी। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले अन्ना हजारे जी हमारे साथ थे और इस दौरान वो केजरीवाल के लिए कई नए सवाल छोड़ गए, कभी उनका नाम लेकर और कभी उनका बिना नाम लिए। पिछले कई दिनों से कई तरह की बातों का खुलासा हो रहा है, कई तरह की बातें सामने आ रही है आंदोलन के बारे में। भैयू जी ने यह भी कहा था कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा, उनका कहना अरविंद केजरीवाल के बारे में था, उनका कहना था कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के चलते एक आंदोलन की मौत हो गई। फिर आप केजरीवाल लाए सामने, आप चैन नहीं पड़ता आपको केजरीवाल के बिना? नहीं अन्ना जी, देखिए मुद्दे की बात है, देश जानना चाहता है कि आखिर काम बोला नहीं जानना चाहता, किसानों के बारे में पूछना चाहिए, देश जानना चाहता है कि लेकिन जिस टीम ने देश को इकट्ठा किया था, 125 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया था, आखिर वो क्यों टूटी? देश को इसका जवाब नहीं मिला है। नहीं, उसका जवाब तो मैं ही नहीं दे सकता, वो ही नहीं दे सकता, लेकिन एक बात है, जो टीम पहले थी उससे भी बड़ी टीम अभी बनने जा रही है, ये एक आशादायी चित्र है देश के लिए, समाज के लिए। जो पहले टीम के बारे में आप सोचते हैं उससे भी एक बड़ी टीम आपको दिखाई देगी एक साल के अंदर। मैं मानता हूँ, मुझे क्यों नहीं सोचते हम, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, एक बड़ी टीम दिखाई देगी। अन्ना जी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बड़ी टीम दिखाई देगी, लेकिन सवाल यह है, जब आप सब कुछ जोड़ने निकले हैं तो पुरानी चीजें क्यों टूटी, पुरानी टीम क्यों टूटी? अरे ये तो होते रहता है समाज में, व्यक्ति उसमें प्रकृति होती है। नहीं, मैंने कहा मेरे लाइफ में मैं सैंपल एक गांव का पंचायत में मेंबर तक नहीं रहा, राजनीति के बारे में मैं पहले से ही दूर रहा है, राजनीति मेरा विषय नहीं है, तो मैं कैसे राजनीति में जा सकता है? मेरा तो पहले से मेरे जीवन में सेवा भाव, और सेवा भाव का अर्थ है निष्काम कर्म, भगवद गीता का जो संदेश है वो मुझे पसंद है, उसमें सही आनंद है। ये राजनीति में चिखल है, कीचड़ है, क्यों उसमें जाना, ये मैं पहले से सोच रहा, इसलिए मैं उससे दूर रहेगा, तो उनके साथ जाने का प्रश्न ही नहीं, राजनीति पे जाने का सवाल ही नहीं। तो अन्ना, आप आखिरकार उन चेहरों को क्यों नहीं पहचान पाए जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी? राजनीति, सवाल यह है कि आप उन चेहरों को क्यों नहीं पहचान पाए जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी? आप जैसे समझे वैसे समझो। आप जैसा समझे वैसा समझिए। सवाल यह है कि क्यों अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं सुनना चाहते अन्ना हजारे? वो अरविंद केजरीवाल